हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस तरह के लेडीज़ बूट्स बनाएंगे जिन्हें हम जूतियाँ भी बोलते हैं। इन्हें मैंने दो कलर की ऊन से बनाया है। ये बूट्स हम बच्चों के लिए भी बना सकते हैं। इसे मैंने 10 नंबर की सिलाई से बनाया है। चलो अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सॉक्स बनाने के लिए ये दो कलर की ऊन लेते हैं। इसमें हमने जो पर्पल कलर की ऊन ली है, इस कलर की ऊन से हम 56 फंदे डालते हैं। इसे यहाँ पे नोट लगा के और हम ये 10 नंबर की सिलाई में डालते हैं। इस तरह हम 56 फंदे डाल लेते हैं। इस तरह हमने 56 फंदे डाल लिए। अब हम इसकी पहली सिलाई उल्टी निकालेंगे। हमको ये पूरी सिलाई उल्टी निकालनी है। ये सिलाई हम पूरी उल्टी निकाल लेते हैं। अब हमने इसमें उल्टी सिलाई पूरी निकाल ली है। अब हम अगली सिलाई भी उल्टी निकालेंगे। इसमें सभी सिलाइयाँ उल्टी उल्टी ही बनेंगी। इस तरह उल्टी सिलाइयाँ निकालते हुए हमें अब इसमें 4 सिलाइयाँ निकालनी है। चारों सिलाइयाँ उल्टी उल्टी निकालनी है जिससे इसमें 2 लाइन बन जाएंगे। अब हमने इसमें 4 सिलाइयाँ पूरी कर ली। 4 सिलाइयाँ पूरी होने के बाद इसमें इस तरह 2 लाइनें बन जाती हैं। अब हम पांचवी सिलाई बनाते हैं। पांचवी सिलाई में हम शुरू में 23 फंदे बना लेते हैं। ये 23, हमने 23 फंदे शुरू में बना लिए। अब हमें बीच में 10 फंदे घटाने हैं। तो घटाने के लिए हम पहला फंदा बनाएंगे। इस फंदे को अपनी इस वाली सिलाई में डाल के 2 का 1 कर देंगे। फिर इस फंदे को सिलाई में डाल लेंगे और वापस से 2 का 1 कर देंगे। सिलाई में डाल के ये 3 फंदे घट गए हमारे। वापस से सिलाई में डाल लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। 4 फंदे घट गए, ये 5 घट गए। वापस से फंदे को इसमें डाल लेंगे, ये 6 फंदे घट गए, ये 7, 8, 9। दूसरी सिलाई में इस फंदे को डाल लेते हैं और 2 का 1 कर देते हैं, ये 10। इस तरह हम ये 10 फंदे घटा देते हैं। अब हमारे बाकी के 22 फंदे बचे, एक फंदा ये हो गया। तो हम ये बाकी के अब ये 23 फंदे भी हम बना लेते हैं। अब हमने सभी 23 फंदे बना लिए हैं। वापस से हम उल्टी सिलाई में आ गए। सभी सिलाई हमको उल्टी उल्टी बनानी है। इसमें शुरू के हम 23 फंदे बना लेंगे। ये हमने 23 फंदे बना लिए। अब हमको इस सिलाई के अंदर 13 फंदे डालने हैं। 13 फंदे डालने के लिए हम इसको इस तरह
घुमाएंगे अपने हाथ में इस तरह, उनको लेके यो टर्न करके इसमें इस तरह डाल देंगे। एक फंदा डल गया, उनको अपनी उंगली पे इस तरह लेंगे, इस तरह घुमा के इस तरह इसमें डाल देते हैं सिलाई के अंदर। दो, उनको लेंगे अपने उंगली को घुमाएंगे सिलाई में डाल के, अपनी उनको इस तरह खींच लेते हैं। तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, उंगली में इस तरह लेके घुमा के सिलाई में इस तरह डालते हैं और उनको इस तरह खींच लेते हैं। बारह, इस तरह लेते हैं उंगली में, उंगली को इस तरह घुमा लेते हैं अपनी सिलाई में डाल के, उनको इस तरह खींच लेते हैं उंगली में डाल के। इस तरह हमारे 13 फंदे डल गए। अब वापस से हम सिलाई को घुमा लेंगे और हमारे बचे हुए 23 फंदे भी हम बना लेते हैं। अभी हमारी ये सिलाई भी पूरी हो गई। वापस से हम सीधी सिलाई में आ गए, जिसमें भी हमें सिलाई उल्टी निकालनी है। अब हम सभी फंदे बना लेंगे उल्टे उल्टे। हमने जहाँ पे फंदे डाले थे वहां पे आ गए। इन फंदों को धीरे धीरे हम करके बना लेते हैं, थोड़ा थोड़ा लूज कर करके हम बनाते जाएंगे। इस तरह लूज करके हम इन्हें बनाते जाएंगे। चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, और ये 13 फंदे हो गए हमारे पूरे, जो हमने फंदे बढ़ाए थे। अब हम बची हुई पूरी सिलाई को हम पूरा कर लेते हैं। अब हमने ये सिलाई भी पूरी कर ली है। अब हम इसमें उल्टी सिलाई निकालेंगे। ये सिलाई भी हमारी पूरी उल्टी निकलेगी। ये सिलाई पूरी उल्टी निकालने के बाद हम इसमें 3 सिलाई और उल्टी निकालेंगे। यहाँ से इस तरह हमारी ये सिलाई निकल जाती है। अब हम इसमें 3 सिलाई, सिलाई को पूरा करने के बाद 3 सिलाई और निकाल लेते हैं। इस तरह हम
हमारी सभी सिलाइयाँ निकल जाती हैं। शुरू में हमने इसमें 56 फंदे डाले थे। 56 फंदे डालने के बाद हमने इसमें 5 सिलाइयाँ निकाली थी। 4 सिलाइयाँ तो शुरू की सिलाई उल्टी निकाल ली थी, उसके बाद हमने ये एक उल्टी एक सीधी से 4 सिलाइयाँ निकाल ली थी, तो हमारी ये 2 लाइन हो गई। तीसरी लाइन जिसमें हम पांचवी सिलाई निकालते हैं, उसमें हम बीच में यहाँ 10 फंदे घटा देते हैं। 10 फंदे घटाने के बाद हम उल्टी सिलाई के अंदर इसमें 13 फंदे डाल देते हैं। इस तरह हमारे इसमें कुल 69 फंदे हो जाते हैं। फिर ऊपर हम इसमें अब एक तो हमने फंदे डाले थे जो सिलाई, उसके बाद एक उसकी उल्टी निकालते हैं, फिर एक उल्टी सीधी और निकालते हैं, और एक अभी हमने सीधी सिलाई और निकाल ली। इस तरह हमारी इसमें कुल अब 5 सिलाइयाँ हो जाती है फंदे डालने के बाद। अब हम इसकी उल्टी सिलाई में आ गए, तो अब कुल हमारे इसमें 69 फंदे हो गए। अब हम शुरू में वही 23 फंदे बना लेंगे। हमारे 23 फंदे हमने बना लिया। हम अब इसमें हम दूसरे कलर की ऊन लगाएंगे। मैंने दूसरे कलर की ऊन ले लिए, क्रीम कलर की ऊन। अब इसमें हम पहला फंदा क्रीम कलर से बना लेंगे, दूसरा फंदा हम पर्पल कलर की ऊन से बनाएंगे, फिर अगला फंदा हम क्रीम कलर की ऊन से बनाएंगे, फिर अगला पर्पल कलर की ऊन से बनाएंगे। अगला क्रीम कलर की ऊन से, अगला पर्पल कलर की ऊन से। हमें 7 फंदे बनाने क्रीम कलर की ऊन से। अब बीच में एक एक फंदा हमको पर्पल कलर की ऊन से बनाना है। ये हमारा 7वां फंदा सब क्रीम कलर की ऊन से बन गया है। हम बचे हुए सभी फंदे हम पर्पल कलर की ऊन से बना लेते हैं। वापस से अपनी सीधी सिलाई में आ गए। सीधी सिलाई में हम शुरू के फंदे तुम्हारे पर्पल कलर की ऊन से बना लेते हैं। अब हम अपनी क्रीम कलर की ऊन के फंदे पे आ गए। अब इस ऊन को हम पीछे ले जाते हैं, दोनों को क्रॉस कर लेते हैं। अब जो हमारा क्रीम कलर का फंदा है, हमको एक फंदे के 5 फंदे बनाने हैं। 5 फंदे बनाने के लिए पहले हमने ये फंदा सीधा बनाया, सीधा बनाया, फिर इसी फंदे को हम पीछे की तरफ से बनाते हैं। सीधे ही बनाने हमको फंदे, पीछे की आगे से बनाया, अब पीछे से बनाया। इस तरह हमारे 2 फंदे हो गए। 2 फंदे होने के बाद ये पीछे से बना लिया, 2 फंदे बना लिए। 2 फंदे होने के बाद हम इस ऊन को आगे की तरफ कर लेते हैं इस तरह। अब इस फंदे को उल्टा बना लेते हैं,
फिर इस ऊन को पीछे ले जाते हैं, इस ऊन को इस फंदे से हम अब ये चौथा फंदा सीधा बना लेते हैं, फिर इस ऊन को आगे ले आते हैं और इस फंदे को हम बना लेते हैं। इस तरह हमारे एक ही फंदे से पांच फंदे बन जाते हैं। अब इस क्रीम कलर की ऊन को पीछे ले जाते हैं और पर्पल कलर की ऊन को आगे ले आते हैं, हमारे इस फंदे को उल्टा बना लेते हैं हम। अभी हम वापस से पीछे ले जाते हैं, क्रीम कलर की ऊन से हम एक फंदे के वापस से पांच फंदे बनाएंगे। तो पहला फंदा तो हम आगे की तरफ से सीधा बनाते हैं, फिर पीछे की तरफ से भी सीधा ही बनाते हैं। इस सिलाई से इस फंदे को हम निकालते नहीं है, फिर इस ऊन को हम आगे की तरफ ले लेते हैं। अब हम तीसरा फंदा उल्टा बनाते हैं, फिर ऊन को पीछे ले जाते हैं, फिर हम चौथा फंदा सीधा बनाते हैं, फिर ऊन को आगे ले आते हैं और फिर इस तरह हम इसको उल्टा बना के पांच फंदे बना लेते हैं। अब इस ऊन को पीछे ले जाते हैं, वापस से पर्पल कलर की ऊन को आगे ले आते हैं, उल्टा बना लिया, इस ऊन को पीछे ले जाते हैं क्रीम कलर की ऊन से। शुरू में हम एक फंदा सीधा बनाते हैं, फिर इसी फंदे को पीछे से दूसरा फंदा भी सीधा बनाते हैं, फिर इस ऊन को आगे करके तीसरा फंदा उल्टा बनाते हैं, फिर ऊन को पीछे ले जाते हैं, फिर इस चौथा फंदा बना लेते हैं, ऊन को आगे लाके वापस से उल्टा बना लेते हैं। इस तरह एक के पांच फंदे हो जाते हैं। वापस से ऊन को ले आए, इस तरह हम अब सभी को बना लेते हैं। पीछे ले गए, एक बनाया, पीछे से दूसरा बनाया, इस ऊन को आगे लाए, तीसरा बनाया, ऊन को पीछे ले गए, चौथा फंदा बनाया, आगे लाए ऊन को और ये पांचवा फंदा बनाया। इस तरह हम ये बनाएंगे, आगे लाएंगे ऊन को, ये हमारा उल्टा फंदा बनाया, पीछे ले गए वापस से क्रीम कलर की ऊन से, पहला फंदा बनाया, दूसरा पीछे से बनाया, ऊन को आगे लाए, तीसरा उल्टा बनाया, फिर पीछे ले गए ऊन को, चौथा बनाया, ऊन को आगे लाए और ये हमारा पांचवा फंदा बन गया। वापस से ऊन को पीछे ले जाएंगे, पर्पल ऊन को आगे लाएंगे, इस फंदे को उल्टा बनाएंगे। वापस से हम पीछे ले गए, अपनी क्रीम कलर की ऊन को लाए, पहला फंदा बनाते हैं, दूसरा फंदा पीछे से बनाते हैं, ऊन को आगे लाते हैं, तीसरा फंदा, ऊन को पीछे ले जाते हैं, इसी फंदे को हम बनाते रहते हैं, चौथा फंदा, ऊन को वापस से इधर लाए, ये पांचवा फंदा। एक के हमारे ये पांच फंदे हो, ऊन को पीछे ले गए क्रीम कलर की को, पर्पल ऊन को आगे ले आते हैं, ये हमारा एक फंदा बीच का, इसको भी उल्टा बना लेते हैं। वापस से हम ले गए, वापस से क्रीम कलर की ऊन आ गई। जब तक हमारे पांच फंदे नहीं होते हैं, हम इस दूसरी सिलाई में जो हमारा क्रीम कलर का फंदा रहता है इसको निकालते नहीं। पहले हमने एक फंदा बनाया आगे से, फिर इसी फंदे को पीछे से बनाते हैं, तो ये हमारे दो फंदे हो गए। ऊन को आगे ले आते हैं, तीसरा फंदा उल्टा बन गया, ऊन को पीछे ले जाते हैं, फिर पीछे से बनाते हैं, ये हमारा चौथा फंदा बन गया, ऊन को आगे ले आते हैं और ये हमारा पाँचवा फंदा। पाँचों फंदे बनने के बाद हम इस सिलाई में से इस फंदे को निकाल देते हैं। इस तरह हमारे पांचों फंदे बन गए, ऊन को पीछे ले जाते हैं। अब हम इस सिलाई को पर्पल कलर की ऊन से पूरा निकाल लेते हैं, पूरा इसको भी निकाल लेंगे, उल्टा भी यहां तक निकाल के हम ले आते हैं इसे। हम अपनी उल्टी सिलाई में भी आ गए, हमने इतने फंदे तो उल्टी सिलाई के निकाल लिए, अब ये पूरी सिलाई भी निकालनी हमको उल्टी ही है। हम क्रीम कलर की ऊन पे आ गए, तो ये पांचों फंदे हमको उल्टे ही निकालने। फंदे उल्टे निकालनी, पर्पल ऊन भी हमको उल्टी निकालनी, पर्पल कलर की ऊन को क्रीम कलर की ऊन के साथ लेके चलते हैं। इस तरह ऊपर कर लेते हैं सून को, इसको नीचे कर लेते हैं, इस तरह ये ऊन इसके साथ चल जाती है। इस तरह हम इस पूरी सिलाई को अब हम उल्टा निकाल लेते हैं। अब हमने ये सिलाई पूरी कर ली, अब हम सीधी सिलाई में आ गए, हम ये सिलाई भी उल्टी निकालेंगे।
वापस से अब क्रीम कलर की ऊन के पास आ गए। अब हम पर्पल कलर की ऊन को पीछे ले जाएंगे और क्रीम कलर की ऊन से अभी हम फंदे सीधे बनाने हैं। क्रीम कलर के फंदे जो सीधे बनाने, पांचों फंदे सीधे बना लेंगे हम। पर्पल कलर की ऊन को इसके साथ लेके चलेंगे, इस तरह से ऊन को आगे पीछे करके इसके साथ ले जाते हैं। हमारे पांचों फंदे हमने सीधे बना लिए। अब पर्पल कलर की ऊन को आगे लेते हैं और ये फंदा हमको उल्टा बनाना है। इस पर्पल कलर की ऊन को पीछे ले गए, क्रीम कलर की ऊन से वापस से हमें ये फंदे सीधे बनाने। हमारे फंदे सीधे बन गए। अब हम इस सिलाई को भी पूरा कर लेते हैं। हमने सिलाई पूरी कर ली है। अब इसके बाद उल्टी सिलाई पूरी उल्टी निकलेगी और उसके बाद एक सिलाई हमको और निकालनी है। तो ये उल्टी सिलाई तो हम पूरी उल्टी निकाल लेते हैं। उल्टी सिलाई में हमको ये क्रीम कलर के फंदे भी उल्टे ही बना। इस तरह हम इस सिलाई को पूरा निकाल लेते हैं। ये हमने उल्टी सिलाई निकाल ली है। अब हम ये सीधी सिलाई भी शुरू के तो फंदे उल्टे निकालेंगे। हम शुरू के हमारे ये 23 फंदे जो हम उल्टे निकाल लेते हैं, जो सभी फंदे हैं जो ये फंदे हमने उल्टे निकाल लिए। जो हमारी क्रीम कलर की ऊन है इसके फंदे हमें सीधे निकाल लिए। ये फंदा हमको उल्टा ही निकालना है। वापस से हम क्रीम कलर की ऊन में सभी फंदे हमको सीधे निकालने। ये हमने लास्ट के पांच फंदे भी सीधे निकाल लिए। अब हम इसे उनको कट कर देते हैं। इससे हमारी ये क्रीम कलर की डिजाइन बन जाती है। अब हम इसमें सभी सिलाइयां उल्टी निकालनी है। अब हमको ये सिलाई हमारी उल्टी हो गई। ये सिलाई भी हम उल्टी निकाल लेंगे। इसके बाद भी हम सिलाई पूरी उल्टी निकाल लेंगे और उसके बाद हमको 9 या 10 लाइन, मतलब 20 लाइन हमको उल्टी उल्टी निकालनी है, जिससे हमारी ऐसी ये 10 लाइनें बन जाएंगी। तो हम ये पूरा निकाल लेते हैं। अब हमने ये क्रीम कलर की ऊन बंद करने के बाद हमने ऊपर 10 सिलाइयाँ निकाल ली। जब हम उल्टी उल्टी सिलाई निकालते हैं तो 2 सिलाई के अंदर हमारी एक लाइन बनती है। तो हमने इस तरह 20 सिलाइयाँ निकालनी है, तो हमारी ये 10 लाइन बन गई है।
पूरी 10 लाइन बन गई, 2, 4, 6, 7, 8, 9, ये 10 लाइन बना लेंगे। अभी हम अपने पाँव से नाप के देख लेंगे, अगर हमको थोड़ा और लंबा चाहिए तो हम 2 सिलाई और निकाल लेते हैं, नहीं तो इसे यहीं पे हम सभी फंदों को घटा देते हैं। मैंने अभी ये 21वीं लाइन शुरू कर ली, ये मैंने उल्टी उल्टी निकाल ली है, अब इसको मैं पूरा कर लूँगी। ये हमारी सिलाई भी 21वीं सिलाई की, आगे की सिलाई तो हमने पूरी कर ली, उल्टी सिलाई में हम सभी फंदों को घटा देते हैं। अगर हमारा पाँव थोड़ा बड़ा हो किसी का तो हम इसमें 2 सिलाई ज़्यादा निकाल लेते हैं, और पाँव छोटा होता है तो हम इसी पे घटा लेते हैं। तो ये 5 नंबर के जिनके स्लीपर्स आते हैं उनके आराम से ये आ जाएगी। तो हम इसमें उल्टी सिलाई में सभी फंदों को हम घटा देते हैं, उल्टा बनाएंगे, फिर इस सिलाई को वापस पहले वाली सिलाई में डाल के 2 का 1 कर लेते हैं। इस तरह हम सभी फंदों को घटा लेते हैं, इस फंदे को वापस से हम पहली सिलाई में डाल लेते हैं, इस तरह हम इसको 2 का 1 कर देते हैं। हम इस सिलाई को भी अब हम पूरा सभी फंदों को हम पूरा घटा लेते हैं। अब हमने इसके सभी फंदे घटा लिए, बस इन इस ऊन को हम कट कर लेते हैं, इसको थोड़ा लंबा काटते हैं जिससे हम इसको सिल लेंगे। हम वापस से हमारी क्रीम कलर की ऊन लेते हैं, और जो हमने यहाँ पे फंदे घटाए थे उसके एक कोने के ऊपर हम क्रीम कलर की ऊन को जोड़ लेते हैं। अब हम इसमें क्रोशे का काम करेंगे। यहाँ पे हम इसमें एक चैन बना लेते हैं, इस तरह चैन बनाने के बाद हम सभी जगह सिंगल क्रोशिया करेंगे। सिंगल क्रोशिया में हम पीछे से ऊन नहीं लेते, यहाँ पे हमने फंदे घटाए थे, फंदे डाल लेते हैं ऊपर की तरफ, क्रोशिया को डाल के पीछे से ऊन लेके 2 का 1 कर देंगे। इस तरह हम इसमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते चलेंगे। शुरू में हम 3 सिंगल क्रोशिया बना लिए हमने कोने पे जोड़ने के बाद, फिर हमने जहाँ से एक फंदे के 5 फंदे बनाए थे वहाँ पे हमारे क्रोशिया हुक को डालेंगे। यहाँ पे हमने 5 फंदे एक का बनाया था, वहाँ एक फंदे के उधर नीचे यहाँ पे अपने क्रोशिया हुक को यहाँ डालेंगे, पीछे से उनको निकाल लेंगे, और ये हमारा इस तरह एक लूप बन जाता है। ये लूप हम थोड़ा लूज बनाते हैं, इस तरह लूज बनाने के बाद इस लूप को हम छोड़ देते हैं, इसको आगे की तरफ से क्रोशिया हुक में डाल लेते हैं, जिससे बनाएंगे तो इस लूप में सीधा रहता है लूप हमारा। अब हमने लूप को थोड़ा लूज करके वही हम 2 का 1 कर देते हैं, 2 का 1 कर दिया हमने, तो ये लूप हमारा इस तरह सीधा रहता है। अब हम 2 सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे, 1, और ये दूसरा, ये हमारे 2 सिंगल क्रोशिया बन गए। दो सिंगल क्रोशिया बनने के बाद हमारा दूसरा वाला फंदा आ गया है, और वापस से हम इसमें नीचे की तरफ क्रोशिया हुक को डालेंगे, पीछे से लूप लेंगे,
लूप को थोड़ा लूज लेते हैं हम। लूप को लेने के बाद हमको लूप को छोड़ना है, उसको आगे की तरफ से क्रोशिया हुक में इस तरह डालना है, फिर इस लूप का दो का एक कर देते हैं। लूप को हमको थोड़ा लूज ही रखना रहता है। आगे की तरफ से डाल के इसका दो का एक कर देते हैं तो लूप हमारा सीधा रहता है। अब वापस से हम दो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये दो। दो सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हमारा अगला आ जाता है। अगले में वापस से हम सेंटर में से क्रोशिया हुक को डालेंगे, पीछे से लूप को लेंगे, लूप को छोड़ देंगे फिर हम, और उसको आगे से क्रोशिया हुक को डाल के दो का एक कर देते हैं। फिर वापस से दो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हम, अगले में भी हम इसी तरह नीचे से क्रोशिया हुक को डाल के वापस से आगे ले आएंगे क्रोशिया हुक को, लूप को छोड़ देंगे, इसमें आगे से क्रोशिया हुक को डाल के दो का एक कर देते हैं। इस तरह में भी सभी को हम बना लेते हैं। इस तरह हम ये बचे हुए हमारे तीन भी बना लेंगे और ऊपर की तरफ हम एक एक सिंगल क्रोशिया ला के यहाँ पे हम इसे बंद कर देते हैं। अब हम ये लास्ट तक सिंगल क्रोशिया बना के ले आते हैं। लास्ट वाली जहाँ से हमने सिंगल क्रोशिया शुरू किया था वहाँ पे हम लास्ट लास्ट वाली में भी सिंगल क्रोशिया बना के इस वाली चैन में हम इसे चैन में क्रोशिया हुक को डाल के एक स्लिप चैन से इसे हम बंद कर देते हैं। और अब हम इसे ऊन को भी हम बंद कर देंगे। यहाँ से हम ऊन को काट लेते हैं, ये हमारे यहाँ से इस तरह हमारा ये यहाँ से बन जाता है इस तरह। अब इसके ऊपर भी यहाँ भी हम सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम पहले इसकी सिलाई कर लें उसके बाद सिंगल क्रोशिया करें या पहले कर लें। मैं आपको पहले करके बता देती हूँ। मैं इधर कोने के ऊपर ऊन को हम जोड़ लेते हैं, नोट लगाने के बाद हम वो पीछे से चैन लेंगे। चैन लेने के बाद हम इस तरह सभी में के सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। जब हमने एक एक फंदे की फली बनती है उसमें क्रोशिया हुक को डाल के हम एक एक सिंगल क्रोशिया करके इस पूरे राउंड को हम पूरा कर लेते हैं। इस तरह हमारा ये जहाँ जहाँ हमने फंदे डालते हैं तो हमारी फली बनती है, तो उस फली में यहाँ पे हम इस तरह क्रोशिया हुक को डाल के इस तरह एक एक सिंगल क्रोशिया बना के हम यहाँ लास्ट तक ले आते हैं और ऊन को हम कट कर देंगे। इस तरह हमने ऊपर भी हम एक एक सिंगल क्रोशिया सभी जगह बना लिए। अब हम इसकी सिलाई शुरू करते हैं। जो हमने ऊन काटी थी उसमें हम उसे सुई में पिरो लेते हैं और हम इसकी सिलाई शुरू करते हैं। इस तरह इसको उल्टा पकड़ के दोनों कोनों से एक तरफ सुई को इधर डालते हैं, फिर अंदर की तरफ से इसको बाहर निकाल के दूसरी तरफ डाल लेते हैं। इस तरह अंदर की तरफ से सुई को डाल के बाहर की तरफ निकाल लेते हैं। अब दूसरे वाले हिस्से में अंदर की तरफ डाल के बाहर को निकाल लेते हैं। इस तरह हम इसको नीचे तक कोने तक सिल लेते हैं। अंदर से डालते हुए हम बाहर की तरफ इसको डालते हुए नीचे तक सिल लेंगे इसको। अब हम यहाँ इसे नीचे तक सिल लाए। अब यहाँ कोने पे भी हम इसे सिल देंगे। इस तरह सुई को अंदर डाल के बाहर की तरफ निकालते हुए
एक एक तरफ के हिस्से को ले लेते हैं। हमारा ब्लास्ट का हिस्सा कोना भी इस तरह हम इसको, ये हमारा जुड़ गया। अब यहाँ पे हम इसके गांठ लगा देते हैं, थोड़ा एक दो बार और स्टिच करके यहाँ पे आगे हम इसको उनको काट लेते हैं। हम ये पीछे का हिस्सा सिलेंगे, पीछे के हिस्से को हम ऊपर की तरफ से सिलते हैं। तो इस तरह दोनों को हम इसमें सुई में डाल के यहाँ पे एक गांठ लगा देते हैं। इन सभी ऊन के इसको हम इसमें सिलाई में ले चलें, उसी तरह सिलना है हमको अंदर से बाहर की तरफ। इन हिस्सों को हम इधर पीछे की तरफ कर लेते हैं जो हमारे आगे सिलाई में ना दिखे। हमने से नीचे तक सिल लाते हैं। एक कोने पे आके हम यहाँ पे गांठ लगा देते हैं। उनको हम काट देते हैं। अभी हमारी जूती पूरी सिल गई है, अब हम इसे सीधा कर लेते हैं। सीधे होने के बाद ये कुछ इस तरह से बन जाती है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।